नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पे। किसी भी कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट एक तरीके का इंडिकेटर होता है कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं उन कंट्रीज में वुमेन एम्पावरमेंट की लॉज, जो भी मेजर्स होते हैं, सेफगार्ड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसी डायरेक्शन में इंडिया ने भी एक लॉ पास करा था, जिस लॉ को हम आज के डेट में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये लॉ 2005 में पास हुआ था और ये लॉ एक तरीके से बहुत ही रेडिकल और बहुत ही रेवोल्यूशनरी लॉ था, क्योंकि इसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई थी। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन इतनी वाइड थी कि इसमें जो प्रीवियसली अनएड्रेस्ड इशूज़ थे वो इस लॉ ने एड्रेस किए थे। काफ़ी ऐसी जो वुमेन के ऊपर वायलेंस होती थी, वायलेंस या जो भी गलत चीज़ें होती थी वुमेन के ऊपर, उन चीज़ों को स्पेसिफिकली इस लॉ ने डिफाइन किया, उन ऑफेंसेस के अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्शन दी। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं ये लॉ क्या है। तो दोस्तों, ये जो लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस लॉ का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन इस लॉ का एसेंस है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। ये लॉ का एम किसी रॉन्ग डूअर को पनिश करना नहीं है। उसके लिए देर आर अदर लॉज, जैसे कि आईपीसी में कई धाराएं हैं, 375-376 विद रिस्पेक्ट टू रेप, फिर असॉल्ट के लॉज हैं उसमें, फिर डाउरी डेथ की लॉज है। तो विद रिस्पेक्ट टू जो ऑफेंसेस हैं वो ये लॉ एड्रेस नहीं करती। ये लॉ प्राइमरीली कंसर्न्ड है वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और इस लॉ के अंडर जो ऑर्डर्स पास होते हैं वो जनरली एक इंजंक्शन टाइप के होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होते हैं, या एक कोर्ट की डायरेक्शन होती है जिससे कि उस वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाए जो उस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करती है। तो ये इस लॉ का एसेंस है। दिस लॉ इज मोर इन द नेचर ऑफ अ सिविल लॉ दैन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है? दोस्तों, इस लॉ को मैंने कहा बहुत ही रेवोल्यूशनरी लॉ है, और वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि ये लॉ फिजिकल इंजरी को और थ्रेट्स को और कोअर्शन को तो रिकॉग्नाइज करती है एज डोमेस्टिक वायलेंस, वो डोमेस्टिक वायलेंस है। बट दिस लॉ हैज गॉन अ स्टेप अहेड, जो प्रीवियस लॉज नहीं कर पाए थे, जिन इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए थे, दिस लॉ हैज गॉन दैट एक्स्ट्रा स्टेप। और इस लॉ ने ऐसे ऐसे एक्शंस को रिकॉग्नाइज किया है, उनको डिफाइन किया है, और उनके अगेंस्ट वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है जो पहले प्रीवियसली जो कि रिकॉग्नाइज नहीं थे। जैसे कि इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, अगर कोई वुमन को घर में, चाहे वो हस्बैंड हो या उसके फादर इन लॉ हो या फादर या ब्रदर हो, वो अगर वुमन को गाली देते हैं या उसके साथ बदतमीजी करते हैं जिस वजह से उनको एक इमोशनल अब्यूज फील होता है या उनको इमोशनली इफेक्ट करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया की जो वुमन होती है वो सेक्सुअल अब्यूज की भी विक्टिम होती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन पिनल कोड में अभी तक मैरिटल रेप को ऑफेंस कंसिडर नहीं किया गया है। अब इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी जो मैरिड मेल होते हैं वो वुमेन को फोर्स करते हैं, अपनी जो वाइफ्स होते हैं उनको फोर्स करते हैं टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस टिल डेट इन इंडिया, एंड दैट इज अ सीरियस इशू। बट ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करता है और मैरिटल रेप के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी ग्रांट करता है। इसके अलावा अगर कोई अपनी वाइफ को या अपने किसी घर के मेंबर को जबरदस्ती कोई इलिसिट मटेरियल दिखाता है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस पोर्नोग्राफिक कोई चीज दिखाता है, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है और उसको सेक्सुअल अब्यूज के दायरे में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो लॉ है ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, मान लीजिए जो घर की फीमेल मेंबर है वो नॉन अर्निंग मेंबर है, उनको अपने हस्बैंड से अपने महीने का खर्चा निकालने के लिए अपने हस्बैंड से वो पैसा लेती हैं, और हस्बैंड उनको तंग करने के लिए, हरास करने के लिए वो पैसे देना बंद कर देते हैं, तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस है इस लॉ के अंडर, और वुमन उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और जो मजिस्ट्रेट है वो इस चीज़ के ऊपर ऑर्डर भी पास कर सकते हैं वुमन के फेवर में। नए तरीके के जो ऑफेंसेस इस लॉ ने रिकॉग्नाइज किए थे वो थे वर्बल या इमोशनल अब्यूज,
सेक्सुअल अब्यूज एंड इकोनॉमिकल अब्यूज, और ये बहुत ही नई चीज है इंडियन लॉज में, ये इससे पहले कभी भी रिकग्नाइज नहीं किए गए थे। तो दोस्तों इस लॉ के अंदर कौन कौन कवर्ड होते हैं? इस लॉ के अंदर मदर कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, सिस्टर कर सकती हैं, लिविंग पार्टनर कर सकती हैं, वाइफ कर सकती हैं, ऐसे तमाम जो फीमेल मेंबर्स फैमिली में हैं जो कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये कोई फीमेल मेंबर ना केवल मैरिज से बट इवन अगर अडॉप्शन से वो आपकी फैमिली मेंबर है, कोई अडॉप्टेड फैमिली मेंबर अगर फीमेल है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो जो नेट ऑफ प्रोटेक्शन है इस लॉ का वो बहुत ही वाइड है, हर ऑलमोस्ट हर तरीके का जो रिलेशनशिप एक फीमेल एंटर कर सकती है अपने लाइफ में, हर टाइप के रिलेशनशिप को इस लॉ ने कवर किया है। दोस्तों ये कंप्लेंट किन के अगेंस्ट फाइल हो सकती है? ये जो कंप्लेंट है ये एक अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट कर सकती है, अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में है तो मेल पार्टनर के अगेंस्ट ये कंप्लेंट कर सकती है, या अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी कर सकती है, या अपने ब्रदर के अगेंस्ट भी कर सकती है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर कमिट करते हैं। कोई भी मेल मेंबर जो उनके साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, एक फीमेल मेंबर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसके अलावा वो उस मेल मेंबर के फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, और जब वो ये कंप्लेंट फाइल करेंगी देयर इज नो बार कि वो सिर्फ मेल मेंबर्स के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जो मेल उनका पार्टनर है या जो हस्बैंड है उसके फैमिली मेंबर्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो सबके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और दोस्तों 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, जिससे पहले की सिचुएशन ये थी कि जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स में अगर कोई फीमेल है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस जो मदर इन लॉ है, वो डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती थी, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज ऐसी थी कि सिर्फ एक वुमन अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर के अगेंस्ट या उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती थी, इट वॉज नॉट द अदर वे अराउंड। बट 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो लॉ है इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और जो हस्बैंड की तरफ से जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो वुमेन एंड दे शुड ऑल्सो बी इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन जो ये लॉ दूसरी वुमेन को देती है। तो इसका इफेक्ट ये है कि अब ना केवल डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की, मदर इन लॉ के अगेंस्ट भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है फ्रॉम द डॉटर इन लॉ तो द मदर इन लॉ कैन ऑल्सो फाइल कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द डॉटर इन लॉ। दोस्तों ये कंप्लेंट कहां पर फाइल हो सकती है, किसको एक वुमन कंप्लेंट कर सकती है? ये कंप्लेंट फाइल हो सकती है किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास, किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, अगर ये दोनों एक्सेसिबल नहीं है, मान लीजिए पुलिस स्टेशन या जो मजिस्ट्रेट हैं बहुत दूर हैं आपके यहाँ से या आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी एनजीओ के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एनजीओ आपके बिहाफ पर उस कंप्लेंट को लीगली प्रोसीड करेंगे। उसके अलावा इस लॉ में एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स है जिनको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जनरली वुमेन की जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है उसके लिए अपॉइंट होते हैं। तो अगर आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो आप इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को भी कॉल करके इनको अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, आपके अगेंस्ट जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो इनको बता सकते हैं, और ये फिर आगे जो भी लीगल स्टेप्स हैं वो ये लेते हैं। अब दोस्तों इस लॉ में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का और एक है शेयर्ड हाउसहोल्ड का। तो कोई भी फीमेल जो कि किसी भी मेल मेंबर के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड, वो ये डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसका मतलब ये है कोई भी फीमेल अगर किसी मेल मेंबर के साथ किसी एक कॉमन घर में रह रही है, वो घर चाहे वो उस मेल मेंबर का या फैमिली मेंबर का ओन्ड हो या रेंटेड हो या जैसे भी हो, अगर उनके साथ वो उस घर में रह रही हैं एक रिलेशनशिप में है तो शी कैन ऑफ कोर्स फाइल अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है। अब दोस्तों ये कंप्लेंट ना केवल एक मेजर वुमन फाइल कर सकती है, एक माइनर गर्ल भी फाइल कर सकती है। अगर किसी माइनर गर्ल के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, वर्बल हो, सेक्सुअल हो, अगर वो माइनर जो गर्ल है वो इसके बारे किसी को कहती है तो वो उनके बिहाफ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी फाइल कर सकती हैं। दोस्तों जब कंप्लेंट फाइल होती है तो इवेंचुअली वो जाती है मजिस्ट्रेट के पास, चाहे वो पुलिस ऑफिसर को फाइल हो, चाहे वो कंप्लेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए या एनजीओ के पास जाए, इवेंचुअली दैट कंप्लेंट कम्स टू द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के पास जब आती है तो ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जो मजिस्ट्रेट पास कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट काउंसलिंग के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, वो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उनको उनकी काउंसलिंग की जाए, या फिर कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट
अगर कंप्लेनेंट ने अपने हस्बैंड या इन लॉज के अगेंस्ट या अपने फादर या ब्रदर के अगेंस्ट कंप्लेंट करी है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि उन सब पार्टीज को बुलाया जाए और उन सबकी काउंसलिंग हो। इसके अलावा कोर्ट एक और तरीके का ऑर्डर पास कर सकती है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है कि जब कोई लेडी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करती है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस वो कहती है कि मेरे अगेंस्ट फिजिकल इंजरी का खतरा है या मेरे अगेंस्ट फिजिकल इंजरी हुई है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो जिस घर में रह रही हैं वहाँ सेफ नहीं है, तो कोर्ट उनको किसी दूसरी अकोमोडेशन में रहने का डायरेक्शन देंगी और जो उनके घर का जो मेल मेंबर है वो उनके एक्सपेंसेस दूसरी अकोमोडेशन का बेयर करेंगे। इसके अलावा कोर्ट रेसिडेंस ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कोई फीमेल मेंबर है, उनको घर से निकाल दिया गया है और वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करती है, तो कोर्ट ऐसा भी ऑर्डर कर सकती है कि उनका राइट है वो शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहने का, और कोर्ट फिर डायरेक्ट कर सकती है कि उन्हें वापस उस घर में रहने का राइट दिया जाए और उनको उस घर में रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट मेंटेनेंस और कॉम्पेंसेशन के ऑर्डर्स भी पास कर सकती है, जिसमें कि अगर कोई लेडी या कोई वुमन कंप्लेंट करती है कि मेरे को मेरे जो हस्बैंड हैं या जो भी मेल मेंबर है फैमिली के मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट उनकी नीड असेस करके ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट मंथली या कोई रेगुलर इंटरवल में दिया जाए। और अगर मेल मेंबर के द्वारा उस फीमेल मेंबर का कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए कोर्ट जो मेल मेंबर जिन्होंने नुकसान किया है उन्हें कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर भी पास कर सकती है। और दोस्तों ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट इन सारी प्रोसीडिंग्स को इन कैमरा भी कर सकती है। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है कि प्राइवेट में, जनरली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट में होती है, बट अगर कोर्ट को लगता है कि ये ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स करने से किसी प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी इफेक्ट होगी, तो कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि सिर्फ जो मेंबर्स इस केस से जुड़े हैं वही रहेंगे कोर्ट की सुनवाई के दौरान, और इन प्रोसीडिंग्स को कहते हैं इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है। अब कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करती है, अगर उस ऑर्डर का उल्लंघन होता है, अगर उस ऑर्डर से कंप्लायंस नहीं करते हैं, तो उसके लिए अप टू 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट की सजा है और कोर्ट साथ ही फाइन का भी ऑर्डर कर सकती है। और दोस्तों इस लॉ की एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है जिसको कहते हैं इंटरिम रिलीफ। तो जो सारे तरीके के जो ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर जो हमने कहा, या रेसिडेंस ऑर्डर कहा, या कॉम्पेंसेशन या मेंटेनेंस का ऑर्डर जो कहा है, वो ना केवल एक फाइनल ऑर्डर हो सकता है, वो इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि सुनवाई पूरी होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो कोर्ट इनिशियल स्टेजेस में ही हियरिंग के कोई एक ऑर्डर पास कर देगी। लेट्स से फॉर इंस्टेंस कोर्ट कहेगी कि ये जो महिला है, जो अग्रीव्ड लेडी है, इनको एक्स अमाउंट, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता, एक्स अमाउंट इनको हर मंथ मिलेगा। तो कोर्ट के पास जो सारी फाइनल रिलीफ है उसके अलावा इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट करने की पावर्स है इस लॉ के अंदर। और दोस्तों इस लॉ का इम्पोर्टेंट पहलू एक और है जिसको कि कहते हैं DIR या फिर डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। जब भी कोई अग्रीव लेडी कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाती है, उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी होती है जिसको DIR कहते हैं। उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं कि वुमेन किस तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट कर रही हैं, और उनके कोई फिजिकल मार्क्स हैं या नहीं है कोई, और वो किस तरीके का रिलीफ मांग रही है। तो ये सारा डिटेल जो होता है इसको कहते हैं DIR। तो ये DIR जब पूरा हो जाता है तो ये मैजिस्ट्रेट को देते हैं, और इस DIR के आधार पर मैजिस्ट्रेट आगे की हियरिंग्स कंडक्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ जो है, दिस इज एन एडिशन टू अदर लॉज। लेट्स से फॉर इंस्टेंस उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डाइवोर्स का केस फाइल किया है, या मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, या क्रूएल्टी का केस फाइल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है दैट विल बी बार्ड। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि क्योंकि वो केसेस पेंडिंग है तो हम ये केसेस नहीं सुनेंगे। ये केस विल गो ऑन साइमल्टेनियसली विद दोज केसेस। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रिलीफ है, इट इज एन एडिशन टू अदर रिलीफ दैट आर ग्रांटेड टू अ वुमन। और दोस्तों इन केसेस की सुनवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है, जिनको कई बार हम महिला कोर्ट भी कहते हैं। एंड फाइनली दोस्तों ये केस कहाँ फाइल हो सकता है? तो दोस्तों जो फाइलिंग का जो प्रोविजन है वो बहुत ही वाइड है, ताकि ये जो रिलीफ है डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन का, ये इवेंचुअली जो अग्रीव पर्सन है उस तक पहुंचे, इसलिए इसको बहुत वाइड रखा गया है। एज पर द DVAC ये जो केस है ये वहाँ फाइल हो सकता है जहाँ पे वाइफ रिसाइड करती है, या फिर सेकेंडली वहाँ फाइल हो सकता है जहाँ हस्बैंड रिसाइड करते हैं, या थर्डली वहाँ भी फाइल हो सकता है जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ है।
तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी थर्ड जगह हुआ है जहां पर वाइफ रिसाइड करती है, हस्बैंड रिसाइड करते हैं, उसके अलावा किसी थर्ड प्लेस पर हुआ है, वहां पर भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हो सकता है। और ये इसीलिए किया है ताकि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो रिलीफ है वो इवेंचुअली उस अग्रीव वुमन को पहुंचे जो कि कंप्लेंट कर रही है, ना कि ये जो रिलीफ है ये बस लॉ बुक्स में बंद होकर रह जाए। और अगर कोई भी जो भी ऑर्डर फाइनली पास होता है उससे अग्रीव है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है, तो इस लॉ में एक अपील का भी प्रोविजन है, और अपील जो है वो फाइल होगा सेशंस कोर्ट के यहाँ और 21 दिन के अंदर फाइल होगा। और दोस्तों क्योंकि एक सिविल लॉ है तो इसमें कोई FIR की या बेल की प्रोविजन नहीं है। तो दोस्तों विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आपके कोई भी इनपुट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें, किसी लीगल टॉपिक पे डिस्कशन करें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो काइंडली इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर जो डिस्कशंस है उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।